क्वेटा में पुलिस एहलकार भी आजकल हिट लिस्ट पर हैं। मुसल्ला अफराद ने एक ही दिन में एसपी समेत दो पुलिस एहलकारों को मौत की नींद सुला दिया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पेशावरान खिदमात सरंजाम देने वाले एसपी सीआईडी मोहम्मद शाहनवाज खान सेटेलाइट टाउन के इलाके में जब सुबह के वक्त अपनी रिहायशगाह से वॉक के लिए निकले तो नामालूम मुसल्ला अफराद ने बड़ेज पुल के करीब उन पर अचानक फायरिंग कर दी और फरार हो गए। उन्हें सर समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में 9 गोलियां लगी और मौका पर ही जाँ बहक हो गए। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर कैप्टन अब्दुल खालिक और आईजी पुलिस और दिगर पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। आला पुलिस ऑफिसर के कत्ल में तफ्तीश मुख्तलिफ पहलुओं पर की जा रही है। पुलिस के मुताबिक क्वेटा समेत सूबे भर में कई ऑफिसर इस वक्त भी हिट लिस्ट पर हैं। बहुत अच्छा अफसर था, बड़े बड़े इसने अच्छे काम किए हैं और इसी वजह से मेरा ख्याल इसको टारगेट किया गया। इस सिलसिले में सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर अफसरान जो हैं वो भी हिट लिस्ट पर हैं और तमाम कोई कहा गया है कि भाई अपनी सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त करें और तैयारी में रहें। इसी रोज़ क्वेटा ही में थाना शालकोट के एहलकार अमानुल्लाह सरयाब के इलाके में ड्यूटी पर जा रहे थे कि उन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी गई। वो थाने की स्पेशल ड्यूटी पर मामूर था। इससे कब उनके एक साथी पुलिस एहलकार की भी टारगेट किलिंग हो चुकी है और वो इन दिनों एक अहम केस की तफ्तीश कर रहे थे। कांस्टेबल का जो एक साथी था, ये दोनों स्पेशल में चलते थे, उसको चंद अरसा कबल उसको शहीद किया गया और हम इससे रबते में थे। हम बार बार इनसे भी पूछते रहे कि भाई आप बताएँ, क्योंकि खुद अफसर को पता होता है कि उसने कौन कौन से अहम केसेस में काम किया है या किस केसेस में उसने गिरफ्तारियां की हैं और कौन से ऐसे जराइम पेशा अफसर अफराद हो सकते हैं जो उनकी जान के दुश्मन हो सकते हैं। ये जो कल जो शहीद हुआ है, ये कह रहा था कि जी मैं काम कर रहा हूँ इस सिलसिले में और उम्मीद है कि मैं किसी उस तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो नहीं बता सका हमें। बलोचिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातें उरूज पर हैं, इसके बावजूद इन पर काबू नहीं पाया जा सका। और काबू भी कैसे पाया जा सकता है जब इन वारदातों को रोकने वाले खुद ही इसका निशाना बन रहे हो। कैमरा टीम के साथ जलाल नूरजई, समा क्वेटा। रावलपिंडी में डकैती का ड्रामा रचाकर एक ही खानदान के तीन अफराद को बहीमाना अंदाज में कत्ल करने वाला कौन था? थाना न्यू टाउन की पुलिस को इतला मिली कि कटारिया मार्केट में वाके घर से मुसलसल ताफुन उठ रहा है। पुलिस ने रिहायशगाह के ताले तोड़े तो अंदर से तीन लाशें बरामद हुई जो तीन रोज पुरानी थीं, जबकि एक 22 साल नौजवान बेहोशी की हालत में पड़ा था। इब्तिदा में पुलिस को बताया गया कि डाकुओं ने वारदात करने के बाद मजाहमत पर घर के सरबराह तारिक, अहलिया तबस्सुम और बेटे साद को कत्ल कर दिया और फरार हो गए, जबकि बड़ा बेटा वकास बेहोशी की हालत में पड़ा था। सारा सामान बिखरा हुआ था और एक कमरे को सील किया हुआ था प्लास्टिक शीट लगा के, ऊपर टेप लगा के बकायदा, और पूरे घर के कमरों में जो जहाँ से बाहर से नज़र आ सकता था उसको भी बकायदा उन्होंने बंद किया हुआ था। और तीन डेड बॉडीज़ जो थी ना, वो तारिक साहब, उनकी अलिया और एक उसका भाई। स्मेल से ही पता चला जी, आगे पीछे से बच्चे ने बताया कि भाई ये स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, वारदात हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाहिरी मायने से पता चला कि मक्तूलीन के सर पर गहरे जख्मों के निशानात थे। पुलिस हुकाम इस वाके को डकैती की वारदात मानने को तैयार न थे, क्योंकि डकैत कोई सामान लेकर गए और न ही बड़े बेटे को हाथ तक लगाया। अपेरेंटली ये कोई वारदात नहीं लगती, क्योंकि अगर वारदात होती तो करने वाले फिर वो टेपे वगैरह जो है वो लगा के नहीं जाते। काफी दिन पहले का इंसिडेंट जो है वो लगता है, जितनी स्मेल है उसे लगता है कि कई रोज़ पहले जो है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हुआ है। और जिस तरीके से उनको मारा गया है वो भी इस चीज़ को लीड नहीं करते कि वो कोई वारदात जो है वो डकैती या कोई राजनी की जो है वो नीयत से जो है वो किया। वकास को जब थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया गया और वाकये से मुतल्लिक पूछगछ की गई तो बॉडी बिल्डर वकास ने दीवार से टक्कर मार ली,
जब पुलिस ने इसे काबू किया तो इसने इन्हें सारी हकीकत बता दी। सीए के तालबे इल्म वकास को बार बार फेल होने पर जब बाप ने डांटा तो इस बदनसीब ने वालिद वालदा और भाई के सर पर हथौड़ियाँ मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। उसने कोशिश की अब कुआ चेंज करने की, उसने तो यही पहले बताया कि कोई डाकू आए थे, उन्होंने डाका डाला है। वो सीए का स्टूडेंट था, वो चार बार फेल हुआ था, तो वालद उसके सिविल इंजीनियर थे, वो चाहते थे कि अच्छी तालीम हासिल करे, बड़ी महंगी तालीम है, हमने तो पता नहीं है। अब तो उन्होंने उसे डांटा वगैरह, गाली गलौज की है, तो इस वजह से उसने ऐसे। भाई और वालदेन जैसे अजीम रिश्ते का कातिल किसी भी रहम का मुस्तहिक नहीं। बदनसीब वकास भी अपने लिए सजा के अलावा कुछ नहीं मांगता। कैमरामैन मंसूर आलम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। वकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में 12 रुकनी गिरोह की वारदातों से लोग तंग आ चुके हैं। चंद रोज कबल डाकुओं के इसी गिरोह ने एक जमींदार के घर घुसकर एक खौफनाक वारदात की तो उसका क्या नतीजा निकला। काड़ा के थाना हुजरा शाह मकीम के गांव कोट ब्रांडे वाला खूके रहायशी जिम्मेदार गुलाम रसूल की बेटी ताहरा फर्स्ट ईयर की तालबा है। 19 अप्रैल की रात 1:30 बजे 12 डाकू दीवारें फलांग कर गुलाम रसूल के घर घुस आए। डाकुओं ने कमरों के बंद दरवाजे ना खुलने पर कुल्हाड़े के वार करके दरवाजे तोड़ दिए। गुलाम रसूल की बीवी और बेटी ताहरा रसूल जो दूसरे कमरे में थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर डाकुओं ने खिड़की से कमरे में फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर ताहरा शदीद जख्मी हो गई। डाकुओं ने उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ डाला। अर्शदी बेगम अपनी दम तोड़ती बेटी को सीने से लगाए चीखों पुकार कर रही थी। डाकुओं ने उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान इलाके के लोग जमा हो गए तो डाकू नकदी और जेवरात वगैरह लेकर फरार हो गए। ताहरा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ चुकी थी। मैं कमरे में सो रहा था, मेरी बीवी और बेटी दूसरे कमरे में थे। डाकू हमारे घर में दीवारें फलांग कर आए, उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा कुल्हाड़े मारकर तोड़ दिया, मुझे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और एक तरफ खड़ा कर दिया। डाकू हमारे घर में लूट मार कर रहे थे, फिर मेरी बेटी और बीवी की चिल्लाने की आवाजें आईं। मैंने डाकुओं को कहा कि जो लेकर जाना है ले जाओ, किसी को कुछ न कहना, और फिर फायरिंग की आवाज़ आई, जिसके बाद डाकू अफरा तफरी में भाग गए। मैंने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मेरी बेटी हलाक हो चुकी थी। जालिमों ने मेरी बेटी को मार डाला। इस इलाके में तो डाकू राज है, आए रोज वारदातें हो रही हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। अहले मोहल्ला की इत्तला के बावजूद पुलिस अगली सुबह 9 बजे मौके पर पहुंची और बगैर कोई कार्रवाई किए लाश को उधर ही छोड़कर वापस चली गई, जिस पर मकतूला के वर्सा और मुकामी रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने लाश थाने के बाहर रखकर टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम वहां पहुंच गए, जिसके बाद थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। हम तो तंग आए हुए हैं, इलाके में आए रोज वारदातें हो रही हैं, डाकू सरेआम दनदनाते फिरते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करती। डाकू घरों में जेवरात और रकम लूटने के अलावा औरतों से ज्यादती भी करते हैं। पुलिस इन डाकुओं के आगे बेबस है। पुलिस ने वारदातों की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। बच्ची को डाकुओं ने मार दिया, पुलिस मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही थी। हम लाश वहीं छोड़कर चले आए और अब एहतजाज किया है तो मुकदमा दर्ज हुआ है, वज़ीरे आला इसका नोटिस लें। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। मकतूला के वर्सा और मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस की सुस्ती और गैर जिम्मेदारी के बाइस इलाके में वारदातें बढ़ रही हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले और यहाँ किसी ईमानदार और काम करने वाले इंस्पेक्टर को तैनात किया जाए। मेरी मासूम बेटी के कत्ल की जिम्मेदार पुलिस है। ये डाकुओं का ग्रोह काफी अरसा से वारदातें कर रहा है। अगर पुलिस इन डाकुओं को गिरफ्तार कर लेती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इस गांव में डाकू तो आए रोज आते हैं, मगर पुलिस तो बुलाने पर भी नहीं आती। चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि वो नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी के कातिलों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि डाकुओं के इस ग्रोह का कलाकमा करने के लिए पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी जाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने डाकुओं को फौरी गिरफ्तार ना किया तो पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। साथी रिपोर्टर मियां रज़ाक के साथ आमिर शहजाद, समा, हुजरा शाह मुकीम। कराची की खवातीन मर्दों के शाना बशाना जिंदगी के तमाम शोबों में काम करती नजर आ रही हैं।
हद तो ये है कि अब उन्होंने जराइम की वारदातों में भी इंतहाई कामयाबी से हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। चौबीस अप्रैल के रोज दिन 12 बजे पेश आया इगवा का एक वाकया, जब इगवाकारों ने अबुल हसन असफहानी रोड से निजी कंपनी के मैनेजर तनवीर को इंतहाई चालबाजी के साथ इगवा किया और इसकी रिहाई के लिए 12 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। इगवाकारों ने तावान की रकम हासिल करने के लिए मगवी के भाई को फोन किया और इसे धमकी दी कि अगर तावान न दिया गया तो इसके बदले में उसे अपने भाई की लाश ले जानी पड़ेगी। मगवी के भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि इगवाकारों ने तावान की अदायगी के एक घंटे बाद तनवीर को रिहा कर दिया। हाँ भाई, लाश चाहिए कि पैसे चाहिए? मैंने कहा नहीं, वो पैसों का बंदोबस्त हो गया। उसने बोला ठीक है जी, जो लोकेशन आपको बताई भी है वहीं से आके ले जाओ। तो वहाँ पे मैं गया, गाड़ी का नंबर वगैरह उन्होंने मेरा ले लिया। वहाँ पे गया, पहुँचा, थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई, उन्होंने बोला कि भाई पहुँच गए हो? मैंने कहा जी पहुँच गया। कहते ऊपर से पेडेस्ट्रियन ब्रिज से दूसरी साइड पे आ जाओ, वहाँ मेरा बंदा आएगा 2 मिनट बाद, उसको पैसे दे देना, 15 मिनट के बाद आपका भाई घर पे होगा। बारह थोड़ी देर बाद उसका बंदा आया, उसको मैंने पैसे वैसे दिए तो वो पैसे लेके चला गया, 15 मिनट के बाद भाई घर पे आ गए। मगवी के भाई ने अपने भाई के अगवा होने की इतला पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन क्लिफ्टन टाउन पुलिस ने अगवा की वारदात की खुफिया तहकीकात शुरू की और अगवा होने वाले तनवीर नामी नौजवान के भांजे कामरान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो एक अगवाकार गिरोह का कारिंदा है और अपने मामू को अगवा कराने में भी वो खुद शामिल है। मैं पैसे लेने मैं नहीं गया था, मैंने सिर्फ बताया था उनको कि इनके पास इतने पैसे हैं, इतने इस तरह। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, बस मेरे दोस्त है, तो इन्होंने मेरे से एक दिन पूछा तो इन लोगों को फिर मैंने बताया कि इस तरह मेरे मामू हैं, उनके पास इतने पैसे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे पीठ पीछे फिर उन्होंने उनको काबू उठाया, क्या किया उसके बाद मुझे बताया फिर इन्होंने। मुल्ज़िम कामरान की निशानदेही पर गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए और गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िम के मजीद 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नहीं मिला, मैं पैसे लेने तो पहुँचा था उनके पास 20,000 रुपये। मुझे बाइक के लालच दिया था, मुझे तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा किस्तों पे। पैसे का मुझे जिक्र नहीं था, उन्होंने बोला पैकेट लेकर बंदा खड़ा हुआ है। बताया था ये किस काम के पैसे लेने पैकेट लेना है? बिल्कुल नहीं सर, मैं इनके साथ था नहीं। मुझे जब इन लोगों को पकड़ लिया गया तो मुझे फ़ोन किया था कि ये लोग पकड़े हैं, मोबाइल छीनते हुए, मुझे नहीं किसी और को, मोबाइल छीनते हुए पकड़े गए, तो इनको आके बातचीत करके इनको ले जाओ। तो मुझे उस राशिद ने, मुझे, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे राशिद ने भेजा इनके पास यहाँ ये कैंट पर। तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे भी बिठा लिया। 3 लड़के जो पकड़े हैं इसमें, एक उमैर अंसारी है, एक कामरान हसन है और एक नदीम है। एक मुल्ज़िम का कहना था कि वो तावान की रकम लेने गया था और इसी दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुलजमान लड़कियों के जरिए नौजवानों को तावान के लिए अगवा करते थे और वो दीगर कई वारदातों में भी मुलव्विस हैं। और ये ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, ये कराची में अब आजकल जो बढ़ती हुई वारदातें हैं अगवा बराए तावान में, उसमें ऐसे ही लड़के काम करते हैं, लड़की के जरिए फ़ोन करके किडनैप करके पैसे लेना। जब मजीद हकाइक सामने आए तो पता चला कि शहर में ऐसे ग्रोह अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं जो लड़कियों के जरिए वारदातों में मुलव्विस हैं। इब्तिदा में ये लड़कियां नौजवान लड़कों को मोबाइल फ़ोन पर अपने जाल में फंसाती हैं और मिलने के बहाने किसी जगह पर बुला लेती हैं, जिसके बाद गिरोह के कारिंदे उस नौजवान को अगवा कर लेते हैं। फ़ोन कॉल के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए फ़ोन करके मुख्तलिफ लोगों को फंसाता है और उसके बाद फिर डेट के बहाने उनको बुलाता है और फिर उस जगह से अगवा करके ले जाता है उन लोगों के साथ जो कि मुख्तलिफ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उनका, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं और अगवा के कुछ केसेस में भी। जो लड़का तावान लेने के लिए आया था उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पकड़ा और वहाँ से फिर उसके गिरोह के तीसरा साथी जो था वो भी पकड़ा। शहर में बढ़ती हुई अगवा बराए तावान की वारदातों में अब मर्दों के साथ ख्वातीन भी मुलव्वस हैं, जिससे इस तरह की वारदातों में तेजी आ गई है। ऐसी वारदातों की वजह से पुलिस की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हो गया है और इसकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।